अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कॉलर वाली एप्पल कट की कुर्ती यानी कि राउंड दामन वाली कुर्ती बताऊंगी। देखिए, ये हमने कपड़ा लिया हुआ है 2.5 मीटर साटन का यानी कि सामू का, और ये अस्तर लिया हुआ है हमने 2 मीटर। तो इस तरह हम ये पहले अस्तर पर डालेंगे और ये साम में तावीज पट्टी की तरह कॉलर आएगा इसमें। तो पहले हम इस पर डायग्राम डाल लेंगे। हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए इस तरह, ये 1 2 3 4 इस तरह 4 कपड़ा फोल्ड करके बिछा लिया है हमने किनारों को जोड़ते हुए, और फोल्ड कपड़ा अपने साइड रखा हुआ है। तो अब हम ऊपर की तरफ भी हमारा फोल्ड है, यहाँ से शोल्डर शुरू करेंगे और नीचे की तरफ दामन शुरू करेंगे। देखिए, हमें शोल्डर लेना है 7.5 इंच। तो इस तरह हम 7.5 इंच ले लेंगे शोल्डर। इसके बाद हम बगल भी लेंगे 7 से 7.5 इंच। देखिए, हमने बगल को भी 7 इंच ले लिया है। आप चाहे तो 7.5 इंच भी ले सकते हैं। हमने इसमें 7 इंच ले लिया है और चेस्ट है 19 इंच। तो फोल्ड कपड़े की तरफ से देखिए, इधर फोल्ड कपड़े की तरफ से टेप को रखते हुए हम 9.5 इंच, 19 का आधा 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिंग लेंगे। 9.5 इंच के बाद हम इस तरह एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिंग लेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं यानी कि 1.5 इंच। अब इसके बाद कमर की लंबाई हम 13.5 इंच पर लेंगे। तो दोबारा शोल्डर के पास से टेप रखेंगे। शोल्डर के पास से टेप रखते हुए हमने 13.5 इंच पर कमर की लंबाई का निशान लगा लिया है इस तरह, और उसी तरह टेप को रखते हुए हम 19.5 इंच पर हिप की लंबाई का निशान लगाएंगे यानी कि चाकों की लंबाई का। और इस कुर्ती की टोटल लंबाई है हमारी 37 इंच, लेकिन हम इसमें 2 इंच मार्जिन मिला के 39 लेते हैं। लेकिन हम इसमें 39 नहीं लेंगे बल्कि 37 लेंगे, क्योंकि ये कुर्ती हमारी राउंड दामन की होने वाली है, तो इसलिए हम इसे 2 इंच और कम रखेंगे। तो 37 इंच पर एक निशान बना लेंगे। देखिए इस तरह मैंने 37 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम कमर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमने 13.5 इंच पर निशान डाला था वहाँ पर हम इस तरह रखते हुए यहाँ पर 16.5 इंच लेंगे। 16.5 इंच का आधा आता है 8.25 इंच यानी कि 8 के ऊपर 2 काड़ी 2.8.2। देखिए इस तरह 8.25 इंच पर निशान ले लिया है और 2 इंच की मार्जिंग भी लगा ली है हमने। अब हिप की चौड़ाई लेंगे हम। हिप जो हमने 19 भी आधा इंच पर टिक किया हुआ था, यहाँ पर हिप की चौड़ाई लेंगे। देखिए फोल्ड कपड़े की तरफ से हमें टेप को इस तरह रखते हुए, जिस तरह हमने चेस्ट का और कमर का निशान लिया है, वो बिल्कुल उसी तरह रखते हुए हम हिप की चौड़ाई 20 इंच लेंगे। 20 का आधा 10 इंच, और यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे हम यानी कि टोटल 11 इंच लेंगे। देखिए 11 इंच पर हमने ले लिया है निशान। यहाँ पर हम माया इसलिए कम रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर चौक की सिलाई करनी होती है, और यहाँ पर अगर ड्रेस फिटिंग हो जाए तो लूज करना होता है, इसके लिए हम यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं माया यानी कि मार्जिंग। अब हम अंदर से निशान से अंदर के निशान को मिलाएंगे। देखिए इस तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का टेप क्रॉस रखते हुए इसे राउंड बनाएंगे। देखिए हमने 1/2 इंच का टेप रखते हुए इसे राउंड बना लिया है। अब हम दामन लेंगे। हमारी एप्पल कट कुर्ती है यानी कि राउंड दामन की, तो जितना हमने हिप लिया है उतना ही हम दामन लेते हैं, लेकिन हम 1/2 इंच बढ़ के लेंगे। तो हमने हिप 20 इंच लिया है, दामन हम 21 इंच लेंगे यानी कि 21 का आधा 10.5 इंच होता है। देखिए 11.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा दामन यानी बॉटम हो चुका है। अब हम इस बाहर के निशान से मिला लेंगे बाहर के निशान को। देखिए इस तरह हमने यहाँ पर निशान मिला लिया है पूरा कुर्ती का यानी कि कॉलर की कुर्ती का। हमारा ये निशान पूरा हो चुका है। अब हम इसे राउंड दामन बनाएंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से 3 इंच का क्रॉस टेप रखेंगे। देखिए इस तरह मैंने कॉर्नर से 3 इंच का टेप रखकर यहाँ पर एक निशान बना लिया, उसके बाद इसे राउंड करते हुए इसमें मिला लिया है। अब हम इस कुर्ती को कट कर लेंगे और इस राउंड दामन को हम कट करेंगे। देखिए इस कुर्ती को हमने कट कर दिया है और हिप के पास, कमर की चौड़ाई के पास और चेस्ट के पास कट भी लगा लिया है सिलाई के लिए, इजी होने के लिए। अब हम ये हमारे पीछे का और आगे का हिस्सा मिलाकर है। अब हम इन दोनों को
ऊपर जो फोल्ड कपड़ा है यहाँ से अलग कर लेंगे। देखिए ये जो साटन का कपड़ा है इसे हमने जितना हमारा ये कटिंग है अस्तर का कपड़ा उसी के हिसाब से रखते हुए बिछा लिया है, इस तरह टू फोल्ड करते हुए, यानी कि फोर फोल्ड है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बाजू की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि इसमें से हमारी आस्तीन बनेगी। और इसे इस तरह हमने बराबर कट कर लेना है, जितना हमारा अस्तर है बिल्कुल उतना ही हमें ये साटन के कपड़े को यानी कि शामू के कपड़े को कट कर लेना है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है, ये हमारा एप्पल कट की कुर्ती अस्तर के साथ कट हो चुकी है। अब हम इसका नेक बताएंगे। इसे हमने अस्तर को एक लिया हुआ है, उसी तरह हम इसमें से भी एक हिस्सा हटा देंगे क्योंकि हम पीछे का गला नहीं कट करेंगे। देखिए हमने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई है ये हमने 6 से 6.5 इंच लेनी है, लेकिन मैं इसमें तावीज़ की पट्टी का कॉलर बना रही हूँ, इसके लिए इसमें हमने 4 इंच का बॉक्स बनाया है। आप अगर नॉर्मल कॉलर का ड्रेस रेडी कर रहे हैं तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 या 4 इंच से राउंड करके यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम 4 इंच का बॉक्स लेते हुए इस तरह थोड़ा सा राउंड शेप में, यानी पूरा राउंड नहीं होगा, थोड़ा सा शेप देते हुए यहाँ से 7 इंच, देखिए 4 इंच के बाद यहाँ से 7 इंच तक बीच सेंटर में हमारी पट्टी लगेगी, यानी कि जो हम तावीज़ पट्टी बोलते हैं वो यहाँ से 7 इंच पर लगेंगी और ये सामने ओपन होगा। यहाँ पर हम शो बटन लगाएंगे। इस तरह के बटन्स हम यूज़ करेंगे आस्तीनों पर और सामने की तावीज़ पट्टी पर। देखिए अब हम बगल में झोल नहीं आना चाहते, मतलब बगल में झोल नहीं आना है तो यहाँ पर शेप भी कट करेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और मार्जिन के पास भी बिल्कुल नहीं कट करेंगे, बल्कि इस तरह हम 1 इंच का टेप यहाँ पर रखते हुए इसे राउंड शेप बना लेंगे। अब मैं इस शेप को और इस नेक को कट करूँगी। देखिए हमने ये शेप भी कट कर दिया है और यहाँ पर 7 इंच का ओपन कर लिया है अस्तर को और ये नेक भी कट कर दिया है, तो ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया। और ये शेप सिर्फ हम सामने कट करेंगे, पीछे की तरफ नहीं कट करेंगे। देखिए हमने 1/2 आस्तीन कट कर लिया है 7.5 इंच का, सीकर ये थोड़ा सा कम हो जाते हैं और यहाँ पर 3.5 इंच पर शेप बना लिया है। यहाँ पर हमारा शेप है 10.5 इंच, यानी कि कट बगल जो हमें लगाना है वो 10.5 इंच है, आस्तीन को ज्वाइंट करना है। और नीचे का हम यहाँ पर जो हिस्सा लिए हैं ये टोटल हमारा 8 इंच है, देखिए इस तरह। तो इस तरह हमारा ये 1/2 आस्तीन कट हो चुका है। अब हम इसे यूज़ करते हुए इसे रखते हुए फुल आस्तीन कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ से 14.5 इंच के आस्तीन ले लिए है, जब ये सिलाई होकर आएंगे तो ये 13.5 इंच आएंगे, लेकिन इसके नीचे हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करना है जब ये आस्तीन की लंबाई लंबी हो जाएगी। तो अस्तर रखते हुए हम 14.5 इंच से कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हमने 7.5 इंच लिया हुआ है और इसे 7.5 को इससे मिला दिया है। अब हम ये आस्तीन कट कर लेंगे। आस्तीन हमारे कट हो चुके हैं, अब इसके नीचे जो हमें लगाना है बेल वो हम कट करेंगे। इस आस्तीन के कपड़े को पहले हम सीधा कट कर लेंगे। सीधा कट करने के बाद इसे हम ट्रायंगल शेप में ले लेंगे, यानी इसकी नोक का हिस्सा बना लेंगे और ये जो हिस्सा है इसे यहाँ पर रख देंगे। यह हमने आस्तीन कट किया हुआ है, आस्तीन के हिस्से को हम यहाँ पर क्रॉस करते हुए रख देंगे, थोड़ा सा कम करके रखेंगे यानी इधर बाहर की तरफ, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। देखिए इस आस्तीन को हमने इस तरह रख लिया है, रखते हुए यहाँ से इसका निशान लेते हुए हमने 5 इंच ले लेना है और इसे इन दोनों हिस्सों को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। देखिए हमने इसे चारों तरफ से इस तरह अस्तर चिपका लिया है और यहाँ पर तावीज़ पट्टी के जैसा हमने इसे भी बना लिया है। इसके ऊपर हमारे बटन्स आएंगे, तो इसके ऊपर जो मैंने बटन्स बताए थे वो बटन्स इसके ऊपर आएंगे। अब हम शोल्डर पैक करेंगे। देखिए पीछे के भी अस्तर को हमने चिपका लिया है शामू के कपड़े के साथ, अब हम शोल्डर पैक कर देंगे। अब दूसरे शोल्डर को भी हम इसी तरह किनारे से पैक करेंगे।
बीच का हिस्सा छोड़ देंगे हम। अब इसे डबल सिलाई करेंगे, इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। शोल्डर चिपकाने के बाद इस तरह हो जाता है ये। ये सामने की कुर्ती का हिस्सा है ये हमारे, और ये पीछे का गला है। अब हम इसे पूरा राउंड मापते हुए कॉलर लगा लेंगे, और जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती सीते हैं उसी तरह इसे भी सीएंगे। देखिए इस तरह बटन्स हमने लगा लिया है, पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए आस्तीन का डिज़ाइन है, देखिए इस तरह। आप अपने आस्तीन का डिज़ाइन घर पर भी रेडी कर सकते हैं। अब इसे हम आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। ये जो बीच में जो भी आपको झोल दिख रही है ये सब दूर हो जाती है, और एप्पल कट का लुक भी अच्छा आता है। तो अब हम इसे आयरन कर लेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।